बड़ा सुंदर परिचय दिए। या हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं किए, तो राम जी विष्णु से साकेत जो है वो बैकुंठ से ऊपर है। अगर आप ठीक है दिव्य लोकों में आध्यात्मिक लोकों की तरफ जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा साकेत बैकुंठ से ऊपर है और सबसे ऊपर है गोलोक। इसलिए शिव जी कहे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने सुमुखी। मैं राम 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 नाम में रमण करता हूं, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है। कितना? तो इसका मतलब विष्णु छोटे हुए ना राम जी से, और एक राम एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर है। कितना? 1 कृष्ण नाम, क्यों? गोलोक सबसे ऊपर है। गोलोक का ही प्रकाश है जो भगवान राधा कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण एक तनु, राधा कृष्ण एक तनु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हमेशा गोलोक में नित्य लीला करते हैं, किशोर किशोरी हैं। भगवान की उम्र है 15 साल 9 महीने, राधा रानी की उम्र है 14 साल 8 महीने और कुछ दिन, वो उतने के रहते हैं हमेशा। इसलिए उनका नाम है किशोर और किशोरी। क्या नाम है? वो लीला कर रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आगे हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ना, ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे हनुमान जी महाराज। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बानु सन परी लड़ाई, कमर बाल सन करी जस पावा, सुन कपि बचन पे हस बिहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव दे तोरे उरोका, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा ते में मारे, ती पर बांधे उतनय तुम्हारे, मुहि न कछु बांधे कई राजा, चयो निज प्रभु कर काजा, विनती करो चोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही बिचारी, रमत जी बजाओ भक्त बयहारी, जाके डर अति काल डराई, जो तुर असुर चरा चर सारी, सासु बयरु कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखिए, तवा परांध बिसारी, सियावर राम चंद्र भज जय शरण, जय सियाराम। गई दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या था बताइए? कानों से सुना नहीं कौन हूं मैं, तो हनुमान जी इंसल्ट करते हैं उसी की सभा में, जहां देख दिक्पाल कांप रहे ना हनुमान जी, जानता हूं भाई जानता हूं तेरी प्रभुताई, सहस बान सन परी लड़ाई, कि सहस्त्र बहु से लड़ाई हुई थी, ठीक है, सहस्त्र बहु से युद्ध करने गया था तू, उसने अपनी काख में दबा दिए, ठीक है, तो ब्रह्मा जी आके छुड़ाया तुझे, ठीक है, और सुना भाई बाली को हराने गया था तू, बाली समुद्र परिक्रमा कर रहा था, बाली ने भी काख में दबा दिया, पुलस्तर ऋषि आके छुड़ाया तुझे, तो कितनी इंसल्ट हो रही होगी रावण से, पानी पानी हो रहा होगा रावण। एक और रावण सुना है भाई, सुतल लोक में बलि महाराज को हराने गया था, बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया। कौन सा रावण है भाई तू? सुना ये 2-3 रावण जो मैंने सुने, तू कहते सुना नहीं के कानों से, सुना है भाई, ठीक है। फिर कहते हैं तीसरा प्रश्न क्या था, बताइए, याद कीजिए, मेमोरी थोड़ा अच्छा रखिए भाई, तीसरा प्रश्न क्या था? हाँ, राक्षसों को किस अपराध के कारण मारा? तो क्या खाए वो फल प्रभु लागी भूखा, फल खा रहा था भूख लगी इसलिए, ठीक है, कपि स्वभाव थे तोरे वो रूखा, कपि का स्वभाव है तो वृक्ष भी तोड़ रहा था, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपनी देह प्यारी होती, ठीक है, मारही मोरी कुमार विगामी, जिसने मुझ, ठीक है, ये मुझे मारने आए थे, जिन मोही मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा, ऐसा नहीं मैंने जान करके मारा भाई, जिसने मुझे मारा, सबको अपनी देह प्यारी होती है, ठीक है, ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे, एक तो तेरा पुत्र मारा गया और दूसरा यहां बांध करके ले आया, फिर आ क्या करे, मोही ने कछु बांधे कई लाजा, मुझे कोई बांध नहीं सकता, की न चाहिए निज प्रभु कर काजा, प्रभु के काम के कारण मैं बंद करके यहां आया हूं। फिर क्या कह रहे, विनती करो जोरी कर रावण, हे रावण सुन, तेरे से हाथ जोड़ के विनती करके मैं कह रहा हूं, क्या कहता हूं, सुनो मान तजी मोर सिख, अपना अभिमान त्याग दे और मैं जो कह रहा हूं उसको सुन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल का विचार कर, ब्रह्म तजी भजऊ भगत भय हारी, अपने ब्रह्म का त्याग करके जो भगतों का भय हरने वाले उनका भजन कर, जाके डर अति काल डराई, जिनके डर से काल भी डरता है बेचारा, हम सब काल से डरते हैं ना मृत्यु से, वो काल भी उनसे डरता है, ठीक है,
जो असुर असुर चराचर खाई, जो सब देवता और मनुष्य असुर और राक्षस और देवताओं को भी खाने वाला है, तासो बयरु कबो नहीं कीजे, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। मोरे कहे जानकी दीजे, मेरे कहने से जानकी जी को बोले बराबरी वाले से बैर कर भाई, बैर किन से कर रहा है ये तो देख, जो कालों के भी काल है उनसे बैर कर रहा है, ठीक है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी की, भगवान प्रण का पालन करने वाले हैं और करुणा के सागर हैं, गए शरण प्रभु राखिए, जिनकी शरण जो भगवान की शरण में आता है, ठीक है, भगवान उसके सारे अपराध भूल करके उसकी रक्षा करते हैं। देखो हनुमान जी कह रहे हैं, मान लो मेरी पत्नी को कोई उठा के ले जाए, तीसरा गारंटी दे सकता है? दे सकता है, मैं क्षमा कर दूंगा, हाँ या ना? हाँ तो बोलिए, अरे भाई मुख दिए भगवान, नहीं ना? लेकिन हनुमान जी गारंटी दे रहे हैं, वो तुझे क्षमा कर देंगे, लौटा दे। तो यहाँ कुछ और, यहाँ आप और मनुष्य जैसी लीला नहीं हो रही, आप समझ रहे हैं बात को? ये सब बताने का पर्पज ये है कि मनुष्यों की लीला नहीं, ये मनुष्य नहीं है, हनुमान जी महाराज शिव अवतार हैं, राम जी स्वयं कालों के भी काल हैं, ठीक है, सामान्य लोग नहीं है यहाँ कोई, सीता जी कोई सामान्य नहीं है। जैसे कई स्त्रियां कहती है ना, सीता जी को कितना दुख दिए भगवान राम जी, अरे वो तुम्हारे जैसे थोड़ी है, हम हमारे जैसे समझते हैं उनको, भगवान हमारे जैसे ही तो, अरे हमारे जैसे नहीं है भगवान। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप काल के काल हो, बताओ आप में से कोई है काल का भी काल है? कोई हाथ खड़ा करो, काल से भी डरते, कोई कहते ना कल मरने वाले हो, खाना ना पाए, ठीक है, भोजन ना भाए दिन भर कि भाई मरने वाले हैं कल, और भगवान तो काल के भी काल, काल भी बेचारा डरता है जिनसे, तो सामान्य नहीं हुए ना, ठीक है। कोई आपको अब की कहे ना कि सीता जी को दुख देता, बोले भाई और काल के भी काल है तू है अभी तो ये हालत खराब है, सुबह लेटरिन बाथरूम बंद कर दिया जाएगा। प्रभुपाद के पास ऐसे आते थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद, कई लोग आते थे, जैसे प्रभुपाद बोलते भारत भगवानों की फैक्ट्री है, हर कोई भगवान बन जाता है। रामपाल जैसे कहते हैं मैं कबीर हूं, राम रहीम कहते हैं मैं भगवान हूं, ठीक है, ऐसे खूब भगवान है। तो एक भगवान प्रभुपाद के पास आए, कैसे बोले आई एम अ कंट्रोलर, क्या कहा? तो प्रभुपाद ने उसको बोला ठीक है तुम यहां रुको आज रात को, ठीक है, रुक लिए। सुबह सबको शिष्यों को बोले सारे बाथरूम के गेट लॉक कर लो, लॉक कर लिए। सुबह भाई साहब उठे, उठे फ्रेश होना था, सारे लॉक दिखे, बाथरूम घूमे चारों तरफ, बाथरूम लॉक करे। प्रभुपाद के अंदर प्रभुपाद सारे बाथरूम लॉक, यू आर कंट्रोलर ना, नाउ कंट्रोल इट, यू आर कंट्रोलर, अब भगवान है, भगवान को थोड़ी लैटरिन बाथरूम लगता है, कंट्रोल करो। अरे बोले प्रभुपाद, बोले तुम बोले तो तुम भगवान हो भाई, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो ठीक है सबके कंट्रोलर है ना, बद्ध जीव तो नहीं है भगवान। तो लास्ट में भाई साहब हाथ कर बोला बोलो कि भाई तुम भगवान नहीं हो, भगवान के दासानुदास हो, वो स्वीकार किया तब बाथरूम खोले। तो ऐसे खूब भगवान सो कॉल्ड बन गए हैं इस कलयुग में, दुकान खोल दिए भगवान की, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, हम लोग मूर्ख हैं, हम पढ़ते ही नहीं है इनको कभी, गीता को आप में से कितने लोग गीता पढ़े हैं, आप देखना लिमिटेड हाथ खड़े होंगे, देखो तो बताओ गीता पढ़े उसमें भगवान कौन है आप बताइए, कौन है भगवान, जोर से बोलिए, कृष्ण, पूरी तरह है आपके भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है, तो क्या दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते आप, हाँ या ना बोली, तो इसका मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मानते ना आप। पौधे पेड़ में जल कहां देते हैं आप, जड़ में देते हैं, पत्तियों को देते हैं, पत्तियों को मिल जाता है ना अपने आप, तो भगवान बोलते हैं, जब गीता में बोलते हैं मैं सबका आदि बीज हूं, बीज दाता पिता मैं हूं, तो जब बीज जड़ में दे दिए, जल कृष्ण को संतुष्ट कर दिए, तो दूसरों को पूजने की आवश्यकता है क्या? आप ही के राजस्थान में मीराबाई हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, देवी की पूजा करने भेजा था सास ने, बोले मेरे तो गिरधर गोपाल है भाई, काहे देवी पूजू मैं, देवी जी के पति रहने वाले नहीं है तो मेरे पति कहां से रहेंगे। सती हुई ना, सती को देखो दक्ष यज्ञ में स्वाहा होना पड़ा, पार्वती जी के रूप में पुनः आई, रामायण में आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, जो खुद को ही नहीं बचा सकती वो मेरे पति की रक्षा कहां करेंगी। तो के तभी वो कहे हैं कि ठीक है कि ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिया गोपाल न मर चूड़ो अमर हो जाए। तो जो गीता पढ़ लेता है ना उसको ये निश्चय हो जाता है भगवान सिर्फ कृष्ण है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य। ऐसा नहीं उनकी अवहेलना करनी है, प्रणाम करना है, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर का एमएलए एमपी को भी प्रणाम करना पड़ता है ना, ठीक है, ऐसे इन सबको प्रणाम करना है कि भगवान की शक्तियां है ये, पर भगवान नहीं है। आप ही के राजस्थान में एक महान भक्त हुए पीपा जी महाराज, किस किसने नाम सुना है पीपा जी का, सुना ना
टीपा जी गागरौनगढ़ के राजा है, आज भी आप जाएंगे ना गागरौनगढ़ में किला है उनका, कोई गए होगा बारह में है गागरौनगढ़ किला है उनका। वो देवी के भक्त थे, 40 मण भोग लगाते थे, कितना भोग लगाते थे डेली, ठीक है। एक बार उनको उनको अष्ट सिद्धियां नौ निधियां देवी से बातें करते थे रोज। एक दिन उनको डर लगा तो देवी के पास गए, मुझे अभय करो भाई डर लग रहा है मुझे। वो बोले अभय तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कैसे करूं, मैं तो खुद भाई मेरे भी स्वामी है। तो बोले कौन है अभी, मैं कब मिल कैसे मिल सकता हूं, तो रामानुजाचार्य जी के पास भेजे वो वापस, ठीक है। तब उनकी पत्नी सीता सहचरी और ठीक है पीपा जी दोनों गए और आगे जाके राम जी के महान भक्त हुए, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए आगे जाकर के, ठीक है। तो शिव आगे देखना, शिव क्या कहेंगे, शिव खुद क्या कहेंगे, भैया मैं हनुमान जी शिव की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए बताइए, शिव अगर जो कहे या हनुमान जी जो कहे या देवी जो कहे मानना चाहिए ना, इसमें सब लोग कहेंगे। अभी मैं नहीं कह रहा कृष्ण भगवान है, वो भी कहेंगे देखिए, ठीक है आगे चलते हैं। राम चरण पंकज उर धरो लंका अचल राज तुम करो ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका ती ससि महु जनहो कलंका राम नाम बिनु बिरान सोहा एक विचार जाति मत मोहा बस नहीं न नहीं सोहा सुरारी सब भूषण भूषित कर नारी राम विमुख संपत्ति तब ताई जाय रही पाई बिन पाई सजल मूल जिन सरित प्रकट में जाना सुनि कपि बचन बहुत किसियाना एक नहर मूड कर प्राण सुनत निसाचर मारन दाए सचिवन सहित विभीषण आए नाय शीस करि विनय बहुता नीत विरोध न मारहि दूता आन दंड कछु करहि गोसाई सब ही कहा मंत्र बल भाई सुनत विभीषण बोला दस कंद अंग भंग करि पट आई बंद कपि के ममता पूछ पर सबही कहियो समझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देव लगाए सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज यहाँ पे बोले हैं कि हे रावण राम जी के चरणों को कुर में धारण हृदय में धारण करो, लंका का राज्य करो, कोई समस्या नहीं है, सीता जी को लौटा दो, ठीक है। ऋषि पुलस्त का जो कुल है उसमें तुम पैदा हुए हो, ठीक है, उसमें क्यों कलंक बन रहे हो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो बिचारी त्याग मद मोहा अपना अहंकार त्याग दो बसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई। कि हे रावण राम जी के बिना संपत्ति पाना ऐसे ही है जैसे नहीं पाने के बराबर है, मतलब राम जी का भजन नहीं कर रहे हो आप तो आपके कितनी संपत्ति है वो नहीं के समान है, ऐसा समझे वो है ही नहीं, ठीक है। आगे कहे हैं सुनु दसकंठ कयउपन रोपी विमुख राम त्राता नहीं है, दसकंठ सुन राम जी से विमुख तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या कहे आगे शंकर सहस विष्णु अज सोही हजारों शिव और हजारों ब्रह्मा भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सकई न राफी राखी राम कर द्रोही राम जी से द्रोह किया तो हजारों ब्रह्मा और हजारों हजारों शिव और हजारों विष्णु भी तेरी रक्षा। देखो हनुमान जी बोले मेरा शब्द नहीं है आप खुद पढ़ सकते हैं, सबके हाथ में सुंदरकांड की बुक है, लिखा है नहीं लिखा देखिए शंकर सहस विष्णु अज तो ही शंकर सहस विष्णु बोला, तो इसका मतलब इस ब्रह्मांड में कितने विष्णु और शंकर है आपके सामने है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं मैं लेके आया घर से और बनाई हूं, आपके सबके हाथ में सुंदरकांड की खुद की बुक भी पड़ी है, है? इसका मतलब इस ब्रह्मांड में करोड़ों शिव और करोड़ों विष्णु हैं। तभी बोले हनुमान जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, हनुमान जी ऐसे मजाक में कहेंगे क्या, मजाक में तो नहीं कहेंगे, जो सच है वही बात करेंगे,
आगे क्या है, मोह मूल और सूल प्रत त्याग, अभिमान त्याग और राम जी का भजन कर। जो बोला बिहसी महाअभिमानी, महान अभिमानी क्या बोला, मिला हमई कभी गुरु बड़ ज्ञानी, कि बड़ा कभी बंदर हमें गुरु मिला है आज। कहते ना किसी को सही बात कहना भी बड़ी मूर्खता है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मृत्यु ने, वो क्या कहते हैं, हे तेरी मृत्यु निकट आ गई है वानर, ठीक है, लागे सी अदम सिखावन मोही, मुझे सिखाने आया है, ठीक है। आगे क्या कहे, उल्टा हो ये कह हनुमान, हनुमान जी का उल्टा ही होता है भाई, मति भ्रम तोर प्रकट, मुझे लगता है तू पागल हो गया है, तेरा मति भ्रम हो गया, तुझे पागल हो गया, पगला गया है, अपने हित की वाणी की नहीं समझ रहा, तुझे मैं समझा रहा हूं तू किससे बैर ले रहा, पर तुझे समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, मूर्ख है तू, तेरा मति भ्रम हो गया है। तो रावण ने कहा मार दो इसको, तभी विभीषण मारा जाए, वो दूत को नहीं मारा जा सकता, तब क्या किया जाए, बोले अंग भंग कर दो, दूसरे लोग खड़े हुए क्या करे, बोले कपि की ममता पूंछ पर होती है, जला दो इसकी पूंछ। अब सारे राक्षस इकट्ठे हो रहे हैं, आज बड़ा मजा आएगा, हमेशा तो वानर को खाते हैं, आज पूंछ जला वानर देखेंगे, बाद में खाएंगे, पहले तो पूंछ जलने का मजा लेंगे, ठीक है। तो सब आए, कपड़ा तेल बहुत सारा लेकर के, पूरी लंका का तेल और कपड़ा लाए, और हनुमान जी की पूंछ को बांधने लगे, पूरा कपड़ा खत्म हो गया लंका का, तेल खत्म हो गया, ठीक है। और कोई हनुमान जी को चूटी काट रहा है, कोई लात मार रहा है हनुमान जी महाराज को, तालियां दे देगा, बड़ा मजा आया आज तो, वानर की पूंछ जली हुई देखेंगे, ठीक है। और रावण भी क्या कह रहा है कि बड़ी बड़ाई कर रहा था ना अपने स्वामी की, पूंछ ही न वानर ता जाई, तब सट निज नाथ ही लय आई, जिनके की न सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई, कि जिनकी बड़ी बड़ाई कर रहा था ना, कि अब देखते क्या होता है तेरे साथ भाई, बड़ी पूंछ हीन होकर के जाएगा ना अपने स्वामी के पास, तब पता, हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पूंछ हीन वानर ता जाई, तब सट निज नाथ ही लय आई, जिनके की न सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वही सहाय सारथ मैं जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना, सहान नगर वसन गत तेला, पाड़ी पूछ की न कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करई बहुहासी, बाजई ढोल देई सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निम्बु की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभी तनिसाचर नारी, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत उनचा, अट्टहास करि कर जा कपि, बड़ी लाग आकाश सियावर, राम रतन भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, नरई नगर भालोग बिहाला, चपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातु हास नहीं पुकारा, हे अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यहाँ कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, नरई नगर अनाथ कर जैसा, चारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर न नाई, कारण गिरिजा उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पराप सिंधु मजारी, पूछ बुझाय कोई समा, दरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के सांगे, काट भयउ कर जोरि सियावर, रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पहले वो सब हंस रहे थे ना जो, ठीक है, चूटी काट रहे थे, ठीक है, हनुमान जी को लात मार रहे थे, आगे क्या कह रहे हैं, जब पूरी लंका जला दी हनुमान जी महाराज, तब क्या बोल रहे हैं, हम जो कहा यह कपी नहीं होई, हम तो कहे थे भाई ये कोई वानर नहीं है, ठीक है, वानर रूप धरे सुर होई, ये कोई देवता है जो वानर का रूप है, पहले तो कुछ और कर रहे थे, अब कह रहे हम तो कहे भाई ये सामान्य वानर नहीं है, तो कोई देवता आया है। शिव जी यहां कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जाए, साधु की अवज्ञा का फल है ये, साधु को लात मार रहे थे ना इस देर पहले, साधु अवज्ञा का फल है पूरी लंका जल गई, इसलिए साधु की अवज्ञा, साधु अगर मांगने भी आए ना उसको दे देना चाहिए, आपका अधिकार नहीं है उसको कहने का कि तेरे हाथ पैर दिए हैं, कमाता क्यों नहीं है, क्योंकि कई साधु ऐसे हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अहंकार को दूर करने के लिए भीख मांगते हैं, क्या करते हैं, अहंकार को दूर करने के लिए भिक्षाटन करते हैं वो,
ऐसा नहीं है कि आपके घर, आपका घर, आप सौभाग्यशाली हैं अगर वो आपके घर मांगने आए हैं तो, क्यों आपका कुछ है नहीं तो आप अहंकार करके क्यों देते हैं? हम रावण बनने की कोशिश करते हैं, तो रावण देखो साधु को जलाया तो क्या हुआ, पूरी लंका जल गई। और शिवजी कह रहे हैं साधु की अवज्ञा का यही फल है, इसलिए साधु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हनुमान जी के पूंछ को बुझाया, पूरी लंका को जला दिया, विभीषण जी का घर छोड़ के पूरी लंका को आग लगा दिए। ठीक है, और ठीक है सीता मैया के पास गए और वहां क्या कहते हैं, मां तु मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दे जुड़ा मुनि उतारि तब दयो राखो प्राण तुम अवतात कहत अब जाना तुई देखी शीतल भई छाती तुनि मो कहु तुई दिन सो राती जनक सुतई समुझाय करी बहु विधि धीरज दी चरण कमल सिरु नायक पी गवन राम पैकी नसियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। हनुमान जी महाराज सीता जी के पास पहुंचे और उनको चूड़ामणि दिए, मैया ने चूड़ामणि उतार करके दिए और शक्रसूत की कथा सुनाए। आप में से कोई जानते हैं शक्रसूत कौन है? इतनी बार सुंदरकांड सुने आप, सोचिए टाइम वेस्ट किया आपने। शक्रसूत इंद्र का पुत्र जयंत है, कौन है? सीता मैया हनुमान जी के जाने से पहले वो कथा सुनाती है शक्रसूत की कि हे हनुमान जी भगवान को शक्रसूत की कथा सुना करके उनका बल याद दिलाना, आप शायद भूल गए अपने बल को। ठीक है, इंद्र का पुत्र जयंत भगवान का टेस्ट लेने के लिए आया, एक बार टेस्ट लेने कि ये भगवान है, तो बार बार आके सीता मैया के पैर में टोंच मारने लगा, चोंच मारने लगा बार बार। सीता मैया माँ है, क्षमा करती है ना, क्षमा कर दिए, ब्लड आने लग गया, खून आने लग गया उनके पैरों में। ठीक है, फिर भी वो क्षमा कर दिए। भगवान जब ये देखे तो भगवान एक तिनका लिए ऐसे और फेंके, भाई साहब आगे आगे तिनका पीछे पीछे, तीनों लोगों घूम गए, बचाने वाला नहीं मिला कोई। ब्रह्मा शिव विष्णु सबके पास गए, बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जिनसे वही जा एक दिन का। फिर आए और क्षमा मांगे, माता ने तो क्षमा कर दिया, पर भगवान ऐसे क्षमा करने वाले नहीं थे कि भगवान टेढ़े है ना, कन्हैया टेढ़ा है, टेढ़ा वो सीधा करना जानता है सबको। तो एक आंख फोड़ दिए उसकी, क्या किए, इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख फोड़ दिए। ठीक है, तो कथा सुना है यहाँ पे, आज के बाद याद रखना है, और कोई सुंदरकांड करे उसे पूछना, बता भाई ये शक्रसूत की कथा कौन है शक्रसूत। ठीक है, तो आगे देखो। ठीक है, हनुमान जी महाराज वहां से फिर प्रयाण करते हैं लंका से। चलत महाधुनि गरज सि भारी गर्भ स्रवहि सुनि निज चरनारी नाथ सिंधु कहि पारहि आवा प्रभु किल किला कपहि सुनावा हरस सब बिलोकि हनुमाना नूतन जनम कठिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा तीन सि राम चंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी मीन पाव जिम बारी चले हर सि रघुनायक दासा पूछत कहत नवल इतिहास अब मधुबन की कर सब आए संगत सम्मत मधुफल खाए अखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जाय पुकारे ते सब वन उजार जुबरा सुनि सुगरी बहरस कपी करियाए प्रभु काज सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम भाई जय सिया राम। जो न होती सीता सुति पाई मधुबन के बल सकई खाई एहि विधि मन विचार कर राजा आय गए कपि सहित समाजा आय सबनी नावा पद सीसा मिले ओ सबनी अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु विदेशी नाथ काजु कीने सुहनुमाना ताके सकल कपिन के प्राण सुनि
सुनि सुगरीव बहुर तई मिलऊ कपिन सहित रघुपति पै चलो राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा पटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज सियावर रामचंद भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जामवंत कह सुन रघुराया जापर नाथ करौ तुम छाया साहि सदा सुब कुशल निरंतर सुर नर मुनि कह सन साहूप कोई विजयी बिनरी गुण सागर सासु सुजतु त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयउ सब काजु जन्म महामा सुफल बा आजु नाथ पवन सुत पीन जो करनी कासौ मुख न जाई दो मरन पवन तनय के चरित सुहाय राम वंत रघुपत ही सुनाय सुनहु कपा निज मन अति भाय पुनि हनुमान हरति लाय कयउ सात कहि भांति जानकी रहति करति रचा सो प्राण की राम पाहरु दिवस निधि ज्ञान तुमार कपा लोचन निज पद चंद्रिता जाय प्राण की बात सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम चलत मोहित राम निधि रघुपति हृदय लाय सोई नाथ जुगल लोचन बरि बार भजन कहे कछु जनक कुमार अनुज समेत गयो प्रभु चरणा दीन बंधु कण तारति हरण मन क्रम भजन चरण अनुराग कई अपराध नाथ हो जा अवगुण एक मोर में माना विचुरत प्राण न कीन पया नाथ सुनय ननिको अपराध नितरत प्राण करै हति वाला विरह अगनि तल दूल समीरा स्वास जरै शरीरा नयन सवै लागी करे न पाव देह विरहा सीता के अति विपत बिताला बिनहि करे बलि दीन दया निमित निमित करुणा निधि जाई कलप सम बेकी बेगी चलई प्रभु आनिए भुजबल कल दल की सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम दुख प्रभु सुख अयन करियाए जल राजीव नयना वचन काय मन मम गति जा सपने उभोजय विपति गिरा कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो जैसे कबा प्रभु सासु धान की ऋतु ज्ञान बेजान सुन कपि कोई सामन उपता नहीं को सुर नर सुन समुदारी प्रति उपकार करो का तोरा जन्म हो न सक मन मो सुन सत को ही उड़न में ना देखो कर विचार मन मारी पुनि पुनि कपहि सब सुर काता लोचन नीर पुलट सुनि प्रभु वचन बिलोक मुखा दाता रवि हनुमान चरण परम प्रेमा कुल ताई ताई भगवंत सिया रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बार बार प्रभु जय ही उठावा प्रेम मगन से सुतवन बा प्रभु कर पंकज कपि के सीता सुमर सुगता मगन गौरी सावधान मन कर पुन शंकर लागे कान कथा अति सुंदर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर जय परम निकट बैठा सौ कपि रावण पालित लंका कई विधि नय दुर्ग अति लंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान भोला भजन विनत अभिमान साकार के बड़ मन ताई साकार के साकार बड़ जाई नाम बिंदु आसन पुर जारा निज चर घन निज बिन उदार सो सम सब प्रताप रघुराई नाचन कछु मोरी प्रभु ताई आगौ कल्प जो अगम नहीं जाकर तुम अनुको नव स्वभाव बलवान लगी चारि सकल कल तूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम नाथ भगति अति सुखदायन मन पायनी तुनि प्रभु परम सरल कपि मान दैव मत सब कहियो भवान कुमार राम तू भाव जी आना ताहि भजन तति भावना जब संवाद जासु गुर आवा रघुपति चरण भगति सेवा तुनि प्रभु भजन कहियै कपि गंदा जय 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 कृपाल सुख संत सब रघुपति कपि पति बोलावा कर कर करहु बनावा अब विलंब कई कारण की जय सुरत कपिन कहु आय सुचि कौतुक देखि तुमन बहु बरसि नवते भवन जले सुर हरसि कपिपति
रंग बज जय सारणम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। हनुमान जी महाराज लंका से निकले, लंका से निकल करके और जो दक्षिण दिशा में सब प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पहुंचे, सबकी सांस में सांस आई, क्योंकि सबको बोला गया अगर एक महीने में नहीं पता लगाए तो फिर वहीं प्राण त्याग देना, नहीं तो फिर मारे जाओगे। तो सब बड़े खुश हुए, एक महीने से कुछ खाए नहीं, जैसा आपको मृत्यु पता हो एक महीने बाद मरने वाले हैं तो कुछ भाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे हनुमान जी आए सब लोग बड़े आराम से फल खाए, गए वहां सुग्रीव के यहाँ और ठीक है, तो कोई जाके बोला करे बड़े खुश है सारे वन, लग रहा है पता लगा के आ गए हैं, क्योंकि सुग्रीव का जो वन है वो पूरा उजाड़ के फल खाने लगे वहां पे, बोले बड़े भूखे हैं आज लग रहा है और ठीक है आनंद करके आए हैं। तो फिर जामवंत जी हनुमान जी महाराज का के बारे में भगवान को बताए कि राजा मतलब सहस्त्र मुख से भी उनकी कह जो करा है वो कहा नहीं जा सकता। तो हनुमान जी को जब भगवान के सामने लाया गया ठीक है, तो हनुमान जी की प्रशंसा किए भगवान के, हनुमान तुम्हारा ठीक है तुम्हारा मैं उऋण तुमसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुमने जो किया है उसका कर्जा मैं नहीं चुका सकता। हनुमान जी महाराज भगवान के चरण पकड़ लिए, त्राही करने लगे, रोने लगे कि भगवान आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो आपका प्रभाव है, मेरी इसमें कोई प्रभुता ही नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आगे कहे हैं देखो, नयन में जल बरसने लगा, हनुमान जी महाराज रोने लगे ठीक है, और ठीक है रोते रोते भगवान को बोले, सुनी प्रभु वचन, प्रभु के जो वचन है वो सुनते हुए लोचन नीर पुलक, नैनों में आंसू बहते, भगवान आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो मैं कुछ करा ही नहीं ठीक है। आगे कहे भगवान बार बार उठा रहे हैं हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी बार बार पैरों में गिर रहे हैं, सोचो कैसा दृश्य होगा, हनुमान जी पैरों में गिर रहे हैं और भगवान उठा के गले लगा रहे हैं। शिव जी ये कथा सुना रहे थे, शिव जी समाधि में चले गए, क्यों हनुमान जी कौन है स्वयं शिव जी, जब हनुमान जी को भगवान गले लगा रहे हैं तो शिव जी समाधि में चले गए। तो देखो यहां कह रहे ठीक है, सुमरी सो दशा मगन गौरी सा ठीक है, सावधान ने मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। उमा ने सावधान किया, रे सुनिए कथा सुना रहे थे, कहां चले गए समाधि में, क्योंकि भगवान गले लगा रहे हैं ना, तो भगवान के शिव के हृदय में राम बसते हैं ठीक है, तो भगवान जब गले लगा रहे तो शिव जी से ऐसा मौका कब कब आता है, तो ध्यान में चला गए, चले गए सोचते सोचते, तो वापस उमा उनको जगाए ठीक है। हनुमान जी की प्रशंसा की, तो हनुमान जी ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं है, भगवान उसके लिए कुछ अगम नहीं है, जहां पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम अनुकूल रहो, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी अगम, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता। तब प्रभाव बड़वान लई जारी सकल खलतूर, कि आपके बल के प्रभाव से मूर्ख भी बलवान को हरा सकता है जिस पर आपका कृपा हो, तो मेरी ऐसी कोई बड़ाई नहीं। आगे क्या मांग रहे थे हनुमान जी, नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा कर, हे भगवान आप देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए, आपकी भक्ति, हम हनुमान जी की भक्ति ढूंढते हैं, हनुमान जी राम जी को मांग रहे, उल्टे हम लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, वहीं से लेते हैं, पाल बाला जी से लेंगे, बाहर से कैसे बनाई है, किस घी से बनाई है, किस भाव से बनाई है, वो प्रोफेशनल प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाते हैं, हनुमान जी खाएंगे वो, एक माला राम नाम की करो उनके आगे, बड़े प्रसन्न होंगे, प्रकट हो जाएंगे आपके आगे, आपकी प्रसाद वो खाने वाले नहीं। जब उर्वशी जैसी ठीक है पुरुरवा से शादी होने पे गोघृत के अलावा कुछ खाती नहीं है, पहले से वचन लेती है, तो हनुमान जी तुम्हारे यहाँ का प्रसाद खाएंगे, वो भी दूसरे का, खुद तो बना के ले जाते नहीं हो, इतने ही प्रेम है तो घर से बना के ले जाओ मंगलवार को, पर वहां इच्छा पूरी करनी, हनुमान जी हमारे ताबड़ दे दी, हनुमान जी हमारी नौकरी दे दी, हनुमान जी मरता रहे तो ऐसे पुनः बार बार, राम जी चाहिए नहीं तुझे, तुझे तो घर के सुख सुविधाएं चाहिए, अरे जानवर बनेगा तो भी मिल जाएगी। महाभारत का एक श्लोक है, आहार निंद्रा भय मैथुन, के आहार निंद्रा और भय मैथुन ये तो जानवर भी करता है, आहार मतलब खाना जानवर भी खाता है, आप भी खाते हो, आपको तो कमाना पड़ता है, उसको तो कमाना भी नहीं पड़ता, कोई जानवर को कमाते हुए देखा आपने, देखा आपने से किसी ने निंद्रा, कहीं भी सो, देखो कुत्ता है कहीं भी सो जाएगा वो, उसको बिस्तर भी नहीं चाहिए, आपको तो बढ़िया नींद नहीं आएगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी, वो बिना नींद की गोली के बढ़िया सोएगा। भय, अपने बच्चों की रक्षा करना, घर बनाना, सभी बनाते हैं आप देखिए, चिड़िया से लगाकर सभी घर बनाते हैं और अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं, मैथुन बच्चे पैदा वो भी करते हैं, करते हैं ना, तो ये चार काम आप कर रहे हैं, इनमें से कोई पांचवा काम है जो कर रहे हैं आप लोग, बताइए कोई पांचवा कर रहे हो इसके अलावा, यही तो कर रहे हो आप सब, कुछ और कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए कोई पांचवा काम कर रहे हो इसके अलावा। तो महाभारत कहते हैं, महाभारत में कहते हैं कि मनुष्य कौन है, ये चार काम तो जानवर भी करता है, सूरदास जी भी इसको कहें कि भजन बिना मानुष कुत्ता गधा और भैंसा, जो भजन नहीं करता वो कुत्ता गधा और भैंसा है,
क्यों? पूंछ विहीन पशु है, आगे शिवजी कहेंगे कि जो ये शरीर मिलने के बाद भी खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने में लगा रहता है, उनके पालन में लगा रहता है, वो पूंछ विहीन पशु है। अब मनुष्य को कौन अलग करता है? बोले मनुष्य को अलग करता है ये कि मैं कौन हूं, तत्व जिज्ञासा। क्या अलग करता है? कि मैं कौन हूं भाई, मैं जो हूं दिख रहा हूं वो तो नहीं हूं। क्यों माता जी, आप जैसे 20 साल के थे आज वैसे हैं आप नहीं, है ना? और आगे 20 साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। तो जब आप ये नहीं हो तो पता तो करो आप कौन है। हु एम आई, कौन हूं भाई मैं, क्यों हूं यहां मैं, क्यों? ये तत्व जिज्ञासा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। हमें तत्व जिज्ञासा ही नहीं है, हमें तो पेट भरने की शिक्षा है। कलयुग में गोस्वामी तुलसी पेट भरने की शिक्षा दी जाएगी, पेट भरने के लिए पढ़ाई कराई जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान नहीं। वो बच्चा जिसको पढ़ा है वो माता प्रणव ऐसे प्रणाम करेगा और वो कभी कभी आके होगी, ठीक है? तो सर व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी जाती। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, उमा राम स्वभाव जयी जान। हे उमा, राम जी का जो स्वभाव जानता है, ताई भजन तजी भावना आवा, उसको भजन छोड़ने का भाव भी, जो भगवान का ऐसा स्वभाव जानता है, ठीक है? सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। और हनुमान जी महाराज पीछे एक बात कहे हैं, ठीक है, कि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति है भजन नहीं होना। आपका घर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पुत्र नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नौकरी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भजन नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी आफत है। हनुमान जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, ठीक है? फिर सब देवता लोग, पुष्प है ही नहीं, पुष्प कहां गए? पड़े ना अंदर, लेकिन तो स्वार्थी है ना, देखने लगे भाई अब रावण से छुटकारा मिलेगा हमें। फिर रावण तीनों पर लोगों का राजा था, ठीक है? तो लाओ लाओ पुष्प लाइए, थोड़े थोड़े से, ठीक है? अरे ना ठाकुर जी, ठीक है, देवता भगवान पे पुष्प वर्षा करते हैं, जैसे ही बुलाते हैं तो सारे जूथप के जूथ, सारे बंदर बंदर भालू, देखो भगवान की सेना कैसी और वहां सेना कैसी, वहां सारे राक्षस जो इनको खाने वाले, जिनका भोजन है ये वानर भालू मनुष्य, और उधर सारे राक्षस हैं। देखो युद्ध कैसी, ठीक है, विचित्र सेनाओं के बीच हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा परात में डाल दे, ठीक है, बड़ी विचित्र सी सेना है दोनों तरफ भीमने वाले हैं। थोड़ा सा दीजिए प्लीज मुझे, थोड़ा सा दे, थोड़ा सा। सी सागर जहि बालु महाबल की सा, देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयन, राम कृपा बल पाइ कपिंदा, कहे पछ जुद मन रुकिरिंदा, हरसि राम सब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना, जासु सकल मंगलमय कीति, सासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेही, परति वाम अंग जन कही दे, जोय जोय सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही होई, चला कटक गोबर ने पारा, गर जई बानर बालु पारा, रख आयुध गिरि पाद पचारी, चले गगन मय इच्छाचारी, हे हरिनाथ बालु कपि करही, डग मगाय दिग्गज चिक करही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ची करहि दिग्गज ढोल महि गिरि लोल सागर सरोवर, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटई मर कट विकट बट बहु कोटि कोटि न रावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावई, सहि सकन भार उदार अहि पर बार बार ही मोयहि, गह दसन पुनि पुनि कमठ प्राष्ट कटो रघुवीर, रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी पर सुहावनी, जनु कमट कर पर सर्प राज लिखित अविचल पावनी, राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर की, जातव लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर सियावर राम।
शंख जपते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निज चर कुल तेर उबारा। जासु दूत बल परनि न जाई, तेहि आए पुर कवन बलाई। सुदिनासन सुनि पुर जन बानी, बंदो दरिया दिग अकुलानी। रासि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नी सरस पागी। करत हरि तन परि हरौ, मोर कहा अति हित हिय धरौ। समुचत जासु दूत कई करनी, सवई गर्व रजनी चर करनी। सासु नारि निज सचिव को लाई, पठिवउ कंत जो जयउ भलाई। तव कुल कमल बिपिन दुख दाई, सीता सीत निशा समाई। सुनौ नाथ सीता बिन दीन, हितन कुमार शंभु अज कीन। राम बान हरी गन सरित, निकर निसाचर दे। जब लगी ग्रस तन तब लगी, जतन करौ सज देख सिया। कर राम चंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, श्रवण सुनी सत का कर पानी। बेहता जग सबे अभिमान, सब अतु भावनार करता जा। मंगल मौ अति काजा, जो आवै मर कट कटिकाई। दियहि बिचारि निज चरखा, सम्भहि लोक पजाति त्राता। सासु नारि संस्कृत बड़ी हाथ, सत कहि बिहति ताहि पुर लाज। चलेउ सभा ममता अधिका, मंदोदरि हृदय कर चिंता। भयउ कंस पर विधि विपरीता, बैठउ सभा खबरि अति भाई। सिंधु पार सेना सब सचिव उचित मत कयो, ते सब हत मत कर गयो। जिते उतुरा सुर सब चमनाई, नर बानर के लेते मा। सचिव वेद गुर तीन जो भय को, सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आ। राज धर्म तन दीन कर, कोय बेगही नाथ दिया। पर राम चंद्र भज जय चरण, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। इधर लंका की तरफ कूच किए हैं समुद्र के किनारे, भगवान रुक गए हैं सेना के सहित, ठीक है। और इधर लंका में मंदोदरी जो है रावण को समझाने आती है, पति के पैर स्पर्श करती है, चरण स्पर्श करती है और समझाती है, हे पतिदेव क्यों बैर ले रहे हैं राम जी से, सीता को लौटा दीजिए, ठीक है। जिनका एक दूत पूरी लंका को जला के चला गया, सोच के देखिए, ठीक है। और जब वो यहां से गया और एक हुंकार जब उसने भरी, तो जितनी गर्भवती नारियां थी उनके गर्भ गिर गए। तो आप क्यों बैर ले रहे हैं, सीता जी को लौटा दीजिए। वो बात कर ही रहे थे तभी एक दूत आया, बोला भी सब समुद्र के किनारे आ गए हैं, ठीक है। तो रावण क्या बोले, हंसने लगा, ठीक है। जिते वो सुरासुर तब श्रम नहीं, बिना श्रम के ही हमने चराचर को जीत लिया। तो नर वानर के ही लेखे माई के, नर और वानर तो बेचारे लेखे में ही नहीं आते। जब हमने तीनों लोगों को जीत लिया तो नर और वानर तो किसी लेखे में ही नहीं है, ये तो हमारे भोजन है। आने तो बेचारों को खुद आए हैं चला करके, बड़ा मजा आने वाला है एक एक मिल करके। कितनों कोई ठीक है। तो ऐसा कहके इसमें फिर आगे बोले हैं कि सचिव वेद और गुरु ये अगर डर के मारे झूठ बोलने लगे, कौन कौन, सचिव गुरु और वैद्य, तो समझो जल्दी आपका नाश होने लगा। सचिव जो आपको, जिसकी आप बात मानते हो, आपको भय के कारण झूठ बोले, ठीक है। वैद्य आपको बीमारी ना बताए डर के मारे, ठीक है। और गुरु आपसे डर के मारे कुछ सही ना बताए। जैसे जितनी रावण के आसपास है वो सबके सब प्रशंसा करने वाले हैं, कोई भी सच बोलने वाला नहीं है। मंदोदरी पत्नी होकर सच बोल रही है, पर बाकी लोग क्या कह रहे हैं, महाराज क्यों चिंता कर रहे हो, हम तो देवताओं को हरा दिए बेचारे हैं क्या। पर कोई भी इसीलिए बोला है कि ये तीनों अगर डर के मारे, ठीक है, गलत, ठीक है, कहे तो आप समझो जल्दी आपका नाश होने वाला है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, राता चरण सी सुते ही नावा। पुनि सिरु नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाय अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कयो हित काता। जो आप
पापन चाहे कल्याण शुज सुसुमति शुभ गति सुख नाना तो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ की चंद की नाई चौदह भुवन एक पति होई भूत द्रोह तय नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ बल कई न को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन सब परिहरि रघुबीर ही बजौ बजौ जय संत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर का लव कर काल ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता ओ द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी रन रंजन भंजन कल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता काहि बयरु तजि नायहि माता प्रणतारति भंजन रघुनाथा देव नाथ प्रभु कहु बै देहि भजौ राम बिनु हेतु सने शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्व द्रोह कृत अग जय जागा जासु नाम त्रय ताप न सावत कोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावा बार बार पद लागो विनय करो रस सी परिहरि मान मोह मद भजौ कौशला दी मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना कई पठई विभूषण सो उर धरौ जो कहत विभी त्रिभुत कर सकहत सठ दो पूरी न करौ इहा हई को माल्यवंत ग्रह गय बहोरी कयही विभीषण मुनि कर जोरी सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुरा निगम अस कय जहाँ सुमति तह संपति नाना जहाँ कुमति विपति निदान कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव रिपुप्रीता काल रात निश्चर कुल केरी कई सीता पर प्रीत घने सात चरण गई मांगो राको मोर तुला सीता देहु राम कहो पहित न हो तुम्हार सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। विभीषण महाराज आते हैं सभी अवसर देख करके और विभीषण महाराज भी प्रणाम करके अपने भाई को और कहते हैं कि हे भैया मैं अपने मति के अनुरूप आपसे कह रहा हूं जो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ की चंद की नाई के पराई नारी के लीलाड़ को ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे चौथ का चंद्रमा क्यों आप हर के लाए हो लौटा दीजिए उसको ठीक है। आगे कहते हैं काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं कहां के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नरक के रास्ते हैं इन सबको छोड़ करके रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए जो संत महापुरुष भजन करते हैं जिनका। आगे क्या कह रहे हैं कि भैया आप मुझे अवसर मिला है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्या कह रहा हूं तात राम नहीं नर भोपाला सुनिए आप लोग सुनिए देखो कुछ टाइम की बात है रोज घर पे बैठे रहते हम लोग तात राम नहीं नर भोपाला क्या कहें ये राम जो है सामान्य नर नहीं है भुवनेश्वर कालव कर काला अखिल भुवन के मालिक और काल के भी काल हैं ब्रह्म अनामय अज भगवंता यही ब्रह्म है अनामय जिनका ठीक है कोई पार नहीं पा पा सकता अज भगवंता यही वो भगवान है व्यापक अजित अनादि अनंता जो सब जगह व्यापक है एक ही टाइम में सब जगह है और अजित है जिनको कोई जीत नहीं सकता अनादि है जिनका कोई आदि नहीं है अनंता है जो अनंत है जिनका कोई अंत नहीं है गो द्विज देनु देव हितकारी गो मतलब इंद्रिया इंद्रिया द्विज मतलब ब्राह्मण संत जाति से नहीं कर्म से जो संत है भगवान का भजन करते हैं धेनु मतलब गाय देव हितकारी ठीक है संत इंद्रिया गो माता इन सब का हित करने के लिए क्या करते हैं वो मनुष्य रूप में आते हैं वेद धर्म और वेद धर्म की रक्षा करते हैं तायु ताहि बयरु तजि नाये माता है भैया उनसे बैर नहीं करना चाहिए प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहु वैदेही भजौ राम बिनु हेतु सनेही वैदेही को लौटा दो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा जो इनकी शरण में गए उसको भगवान ने कभी त्यागा
नहीं विश्व द्रोह कृत अगजे ही लागा, भले उसने विश्व का द्रोह क्यों ना कर लिया हो। एग्जाम्पल रत्नाकर डाकू था, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि हुए तो सारे पुराने पाप नष्ट हो गए ना। ऐसा कभी सुना है आपने कहीं कि इतने पाप करने के बाद भी फर्स्ट काव्य लिखने वाले वाल्मीकि जी हो जाए, जिनको राम राम भी नहीं आता, मरा 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 करते करते वाल्मीकि हो गए। कोई पूर्व जन्म जानता है कि खतरनाक डाकू था वो, ठीक है रत्नाकर, पर जैसे ही राम राम किए तो साधु हो गए, ठीक है। जासु नाम तय त्राप न सावन, के जिनका नाम तीनों तापों को हरने वाला, आदि देविक आदि भौतिक और आदि देविक, इन तीनों तापों को हरने वाला है जिनका नाम, सोई प्रभु प्रकट समुझी जी रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं रावण। सुनो बार बार पद लागो, के भैया मैं बार बार आपके चरणों में गिरता हूं, और अपना मान मोह अहंकार ये छोड़ दो और कौशलाधीश को भजो। मुझ ऋषि पुलस्त्य निज शिष्य सना, ये हमारे जो परम पिता है पुलस्त ऋषि, ये अपने शिष्यों के संग ये कह रहे थे, तब मैंने अपने कानों से सुना और अवसर पाकर के तुम्हें बता रहा। ये कौन कह रहा है? हाँ कौन कह रहा है, जोर से बोलिए। देखो सब थक गए, कौन कहे? हाँ विभीषण महाराज इसको कहे कि भाई राम जी कोई सामान्य व्यक्ति, ठीक है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, कालों के भी, ठीक है। तो माल्यवंत अति फिर ये अपने पढ़ लेते, फिर उनके नाना जी आए रावण के, पहले पत्नी समझाया नहीं माना, भाई समझाया नहीं माना, अब नाना समझा रहे माल्यवंत कि भाई ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, जहां सुमति, ठीक है सुमति कुमति सबके, सुमति और कुमति सबके अंदर रहती है, ठीक है। जहां सुमति जहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहां क्या है, संपत्ति है, और जहां कुमति है गलत कहे कुछ कुछ गलत, अभी तक कुछ गलत कहे यहां पे कहीं बताइए आप, सब एकदम सटीक बात कहे ना, ठीक है। और काल रात्रि के, काल रात्रि ने पूरे लंका को घेर लिया लग रहा है अब कोई भी, क्योंकि वो खुद ही जो अपना हित नहीं मान रहा भाई, इतने लोग समझा रहे हैं, हनुमान जी आके समझा गए, पत्नी समझा रही है, नाना समझा रहे, भाई समझा रहे, फिर भी समझ, क्योंकि अहंकारी है ना। हम भी ऐसे अहंकार में होते तो अपना कई बार बच्चा हमें समझाता हमारे घर का, अरे तू मने के समझा भाई, मैं थने पैदा करियो, तू मन थोड़ी करियो, उस समय बुद्धि नहीं लगाते, कह तो ठीक रहा है, गलत नहीं कह रहा है, ठीक है। पर हम उस समय अहंकार में होते हैं, ईगो में रहते हैं, इसलिए रावण भी ईगो में है, इसलिए कुछ सुन नहीं रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीत बकानी, सुनत दसानन उठारी साई, कल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पर्च मूढ़ तो ही बावा, कहसि न खल अस को जग मारी, कुज बल जाहि जिना मैना, मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जायति नौ कई नीति, अस कई कीने सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारई बारा, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरि सबलई मोय मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नब पद गय, सब ही सुनायक अस भय, राम सत्य संकल्प प्रभु सबा काल बस दूरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देव जन कोरी सिया, पर रामचंद्र भज दई शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तबई, साधु अवज्ञा दुरत भवानी, कर कल्याण अखिल ते हां, रावण जब ही विभीषण जागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा, चले वो हरसि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन मा, देखिय जाय चरण जल जाता, अरुण मृदु सेवक सुखदा, जे पद पर सिदरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन का, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरग संग दरदा, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो ते, जिन पायन के पाद कनी, पर तुरहे मन ला, आज बिलोकियउ किन नयन अब जाय सियावर, रामचंद्र भज जय शरण, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। विभीषण महाराज समझा रहे हैं, पर रावण क्या किए कि लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, ठीक है। मम पुरबसी तपसन पर प्रीति, उन तपस्वियों पर बड़ी प्रीति हो रही है तुझे लग रहा है, ठीक है। चरण प्रहार किया, मारा एक लात, निकल जाए यहां से, बड़ी तपस्या, चला जाओ उन्हीं के पास, समझा रहा है वो तो भाई। परंतु रावण क्या की,
ठीक है, पर क्या कह रहा है, क्या भगवान से उमा संत की ये ही बड़ाई मंद करत जो करे। हे उमा, ये संत जो है ये बड़े विचित्र होते हैं, जो बुराई करता उसकी भी भलाई करते हैं। विभीषण जवाब दे सकते थे, परंतु फिर भी क्या कहे, तुम पितु सरी से भले हुए, भैया आपने भले ही मुझे मारा, क्योंकि आप मेरे पिता के तुल्य है। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम जी को भजने के अलावा, फिर भी मैं यही कहूंगा, राम जी को भजने के अलावा तुम्हारा हित कुछ नहीं है। सचिव संग ले नभ पद गए, और अपने सचिव को साथ लेकर के आकाश मार्ग से भगवान के दर्शन के लिए गए, ठीक है, और बड़े खुश है मन में। पर शिव यहां के देखो, लोग क्या कहते, घर का बेदी लंका डाय, कहते हैं कि लोग मूर्ख हैं, ठीक है। पर शिव जी क्या कह रहे हैं, हमें लोगों की माननी चाहिए, शिव जी की, शिव जी की, शिव क्या कह रहे हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयु ही न भये सब तब ही, कि जैसे विभीषण महाराज लंका छोड़े सब क्या हो गए, आयुहीन हो गए, क्योंकि उन्हीं के कारण बचे हुए थे वो, जैसे वो वहां से निकले सारे के सारे आयुहीन हो गए। क्या रावण, मान लो विभीषण जी नहीं कहते, क्या रावण मरता नहीं, कोई ऐसा है जो अमर रहा हो, यहां मरना पड़ेगा ना, ठीक है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण, देखो बार बार कह रहे, साधु की अवज्ञा, ठीक है, अखिल ब्रह्मांड की हानि कर सकती है, इसलिए साधु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। फिर बड़े खुश हैं, कह रहे आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा, जिन चरणों को देखने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करते फिर भी दिखते नहीं है, ठीक है। जो चरण पादुका, जिनके चरण पादुका भरत जी अपने शीश पर धारण करते हैं, अरे आज मैं उन चरणों के दर्शन, क्योंकि विभीषण जी को पता है राम कौन है, आज उनका संग मिलने वाला, हम खुश होते ना, भगवान मिलने वाले हो, बड़ा खुशी होती अंदर से, ठीक है। ऐ विधि करत सप्रेम बिचारा, आयो सब दिसिंदु ऐ पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना गोरी पुदूत विशेष, काही राखि कपिस पहि आए, समाचार सब ताहि सुना, का सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन पाय, का प्रभु सका पूजी है कारा, कयई कपिस सुनौ नर नारा, जानि न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, वेद हमार ले न सट आवा, राखई बांधी मोही असबा, सखा नीत तुम नीक बिचारी, मम पन शरणागत भया, सुनि प्रभु वचन रस हनुमाना, शरणागत पन चल भगवान, शरणागत कहु ते जई, निज नहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मया, तिनहि बिलोकत हानि सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, कोटि विप्र भज लागहि जाऊ, आए शरण सजउ नहिं दास, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि सब, पापवंत कर सहज सुपाउ, भजन मोर तेहि पावन का, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्रन वाव, वेद लेन पठवा दस सीता, तबउ न कछु भय हानि कपीसा, जग मऊ सखा निसाचर जेते, रचि मन हनै निमिष मोते, जो सवेद आवा करणाई, रखिय उताय प्राण की ना, उभय बाति तैयानो हसिका कृपा निके, जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत सियावर, रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सादर ते आगे करिवानर, चले जा रघुपति करुणा, दूर ते देखे दौड़ाता, नयनानंद दान के दा, गौरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठक पिय कटक पल रोकी, कुछ प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भयमो, सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमो, नयन नीर पुलक अति गाता, मन धरि धीर कही मृदुवा, नाथ दशानन कर मैं प्राता, निश्चर वंश जन सुर गाता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक तम परमे, श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भवती, ताहि ताहि आरती हरना, शरण सुखद रघुबीर सिया, पर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरत विशेषा, दीन बच
वचन सुनी प्रभु मन बाबा बुझ विशाल करी हृदय लगा अनुजय सहित मिल डिग बैठारी बोले वचन भगत बयहार कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुटा बाग तुम्हारा कल मंडल बसो दिन राति सखा धर्म निभाई के बात मैं जानो तुम्हारी सब रीति अभिनय पुनन भाव नीति बरुबल बात नरक करता दुष्ट संग जन दे विदात अब पद दे कुशल रघुराया जो तुम की न जान जनता तब लगी कुशल न जीव कहो सपने मन जब लगी भजन राम कहो सो राम सज काम सिया रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम तब लगी हृदय बसर खल नाना रूप जब लगी उरन बस रघुनाथा धरे जाप साय कटिवा ममता तरुण समी अंधियारी राग द्वेष मोह लोक सुखदा जब लगी बसति जीव मन माई जब लगी प्रभु प्रताप रघुना अब मैं कुशल मिटे भय बारे देखी राम पद कमल तुमा तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताही न व्याप त्रिविध बसु मैं किसी चरण अति अधम सुबारो तुम आचरण की ननका जादु रूप मुनि ज्ञान न आला तई प्रभु हर हृदय मोहिला ओ भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखो देखौ नयन विरंज शिवा प्रेम जुगल पद कंज सियावर रामचंद्र जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सुनो सखा निज कहउ सुबाहु जानु बुदंड सब गिरिजा जो नर होय चराचर दोई आवे सबय शरण तक मो तजि मद मोह कपट चल नाना करउ सत्य ते साधु समा जननी जनक बंधु सुख दारा तनु तनु पवन सुअद परिवा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि द्वाद भरि दो समदरसी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं संत प्रिय मोरे धरऊ दे आननियो सगुण उपासक पर निरत नीत धरने प्रे नर प्राण समान ममा जिनके द्विज पद प्रेम सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। विभीषण महाराज भगवान के पास पहुंचे तो जैसे ही सारे लोग ठीक है भगवान के पास बोले रावण का भाई आया है तो कई लोगों ने बोला कोई हो सकता है यहाँ पे कुछ पता करने आया है। ठीक है होता ना कि मान लो आपका ठीक है जो शत्रु है वो अगर शत्रु का कोई मित्र आए लड़ाई चल रही हो तो बोले अरे इसको नहीं बुलाना है घर में होता ना घर में मान लो पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है नहीं इसको घर में नहीं आने देना ठीक है तो ऐसे ही ठीक है पर भगवान क्या बोले कि शरणागत को जो त्याग करता है शरण में आए को जो त्याग कर लेता है अपना हित और अनहित मान करके ठीक है ते नर पावर पापमय तिन ही बिलोकत हानि बोले वो पाप के समान है उनके दर्शन करना भी जो अपना हित और अनहित सोच करके शरणागत की रक्षा नहीं करते उनके दर्शन भी नहीं करने चाहिए भगवान बोले ठीक है कि आपकी शरण में आ गया उसकी रक्षा ठीक है। महाराज सिद्धि इसके एग्जांपल है आप कभी सुने हो शास्त्र में महाराज सिद्धि सुने महाराज सिद्धि के बारे में आप लोग जानते हैं कोई भागवतम तो सुने होंगे कई बार महाराज सिद्धि का चरित्र आता है भागवतम में इतने महान होते हैं वो कि उनकी चर्चा ऊपर स्वर्ग लोक तक में होती है कि महाराज सिद्धि बहुत दयालु हैं और बहुत ठीक है शरणागत वत्सल है तो सब लोग देवता बोले कि परीक्षा ले ऐसे तो कैसे मान ले तो जो अग्निदेव हैं ठीक है वो बने कबूतर और इंद्र बने बाज ठीक है और कबूतर आगे आगे और बाज पीछे पीछे जो कबूतर है वो जाकर के उनकी गोद में जाकर बैठ गया महाराज महाराज मैं आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा कीजिए पीछे से बाज आया ठीक है बोले महाराज ये मेरा भोजन है ठीक है तो वो बोले कि मेरे शरणागत है अब तुम इसको छोड़ दो बोले महाराज मैं भी आपकी प्रजा हूं ये प्रजा है आप मेरी भी रक्षा मेरे को बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला और ये मेरा भोजन है इसको खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा और इधर कबूतर कह रहा है मेरी वो बोले ये भी मेरी शरण में तुम भी मेरी शरण में हो बताओ कुछ और ले लो इसके बदले बोले नहीं महाराज यही चाहिए मुझे तो बहुत देर तक बातचीत चलती है तो फिर बोलते हैं ठीक है आप इसके बराबर वजन का अपना शरीर का मांस मुझे दे दे तो मैं इसको छोड़ दूं तो एक तुला मंगाई गई एक तरफ कबूतर को बिठाया गया और अपना मांस काट काट के रखे पूरा मांस काट लिया केवल हड्डियां रह गई शरीर में ठीक है तो फिर दोनों प्रकट हो गए इंद्र और अग्निदेव बोले वाकई में आप शरणागत वत्सल हैं ठीक तो आप सोचिए शरण में कबूतर तक की रक्षा किए और हम अपना अनहित और हित मानते हैं जबकि हम जीने 70-80 साल हैं यहां पे फिर भी अपना हित और अहित मानते हैं
होना तो वही है जो राम रची राखा, क्या आपकी चलेगी? हाँ, आज तक नहीं चली, आगे कहां चलेगी? ठीक है, तो आगे कहें भगवान के सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाशित, के मेरे सन्मुख आ जाए कोई जीव, अगर जैसे हम लोग सामने बैठे हैं इनके, तो करोड़ों जन्मों के पाप आपके नष्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चला। भगवान कह रहे हैं यहां पे कि मेरे सामने कोई जीव अगर आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भावनाओ, क्या पापवंत जो पापी होता है उसका सहज स्वभाव होता है, वो मेरा भजन तो क्या मेरे सामने तक नहीं आ सकता, जो पापी है वो मेरे सामने भी नहीं आ सकता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवेगी, जो दुष्ट हृदय वो मेरे सामने भी नहीं आ सकता। फिर भगवान बोलते हैं, कई लोग पूछते भगवान कैसे मिलेंगे, तो भगवान यहां बता दें, निर्मल मन जन सोही सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त, मुझे कपट नहीं पसंद है, जिसके मन में कपट है ऊपर से राम राम कर रहा है और अंदर से कुछ और सोच रहा है वो मुझे कभी प्राप्त, जैसे मेरे जैसे कंठी तिलक लगा ले भले पर अंदर से स्वभाव नहीं बदला तो भगवान भगवत प्राप्ति, कितने बोले साधु के कपड़े पहन ले, गृहस्थ ज्यादा श्रेष्ठ है अगर वो नियमों का पालन करता है तो एक साधु से, क्यों गृहस्थ में रहकर के भजन करना टफ है, तो गृहस्थ में रहकर जो भजन करे वो श्रेष्ठ है, पर करे मन ऐसे कंठ, हम बोलते हैं निर्मल मन ऐसे थोड़ी होगा कि मारो मन निर्मल हो, यू थोड़ी निर्मल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरे पड़े, कब पता चलेगा? जब आप भजन करोगे ना तब अपने दोष दिखना, अभी तो बाहर दिखते हैं दोष, ओ कैडो है जैसे आया तो पानी गिरा दिया, कह रहे थे पानी गिरा दिया, अभी हमें दूसरों में दोष दिखता है, लेकिन जब हम भजन करेंगे तो हमें दोष दिखने लगेंगे, अरे भाई मेरे से बड़ा तो कबीरदास जी कहे भी हैं, बुरा जो देखण मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मना देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, खुद में दिखेगा भाई, लड़ना तो अंदर है, बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ठीक है, तो कहे भाई कोई भेद लेने आया कोई बात नहीं, ठीक है, भेद लेने आया तो ही कोई दिक्कत नहीं है, भेजो उसको, ठीक है, अंदर भेजे, और विभीषण महाराज एक टक भगवान को देखते रहे, एक टक बिना पल के, भगवान इतने सुंदर थे, भगवान ठीक है नीलवर्ण के हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, दोनों एक शिला पर बैठे हैं और सुंदर, इतने सुंदर लग रहे हैं, बेनी बांधी हुई है भगवान के, ठीक है, और इतने सुंदर है भगवान के, वो एक टक देख रहे हैं दोनों को, नयना आनंद, नयनों को आनंद मिल रहा है, क्योंकि इंद्रियां इनकी नहीं की है ना, तो इंद्रियों को आनंद कब मिलेगा, जब इनके दर्शन होंगे, ठीक है, तो विभीषण महाराज देख रहे हैं, ठीक है, देखते देखते ठीक है भगवान का मन ही मन आरती करने लगे, थे देखो भगवान कितने सुंदर हैं, ठीक है, फिर भगवान आते गए, आओ लंकेश, लंकेश कह दिए सोचिए, ठीक है, और आके क्या बोले विभीषण महाराज, तो बोले भगवान मैं असुर हूं ना, तो शरीर मेरा शुद्ध, ठीक है, असुर कुल में पैदा हुआ, आपके दर्शन के लायक भी नहीं हूं, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई अरे मित्र बताओ, सखा धर्म निभाई कई भांति, कह रहे खल मूर्ख दुष्टों के बीच में तुम कैसे अपना धर्म निभा रहे थे, कि राक्षसों के बीच रह रहे थे, ठीक है, मैं जान हूं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण भाव करके, प्रभु मैं आपकी नीति जानता हूं, आप दुष्ट पे भी कृपा करते हैं, मैं तो दुष्ट हूं पर आप कृपा कर रहे हैं, ठीक है, दुष्ट संग जन नहीं दे विधाता, कि भले वो नरक में वास दे विधाता पर दुष्ट का संग ना दे, जो सूरदास जी कहे हैं तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है पड़त भजन में भंग, कि हरि विमुख का संग छोड़ देना चाहिए, जो हरि से विमुख है उनका संग, आगे एग्जांपल दिए, कहा होए पय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग, कितने दूध पिला दो सांप को विष छोड़ विष तज नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बंदर को कितने आभूषण पहना दो, ठीक है, पर भूषण मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, पता नहीं लगेगा, कौए को कितने कपूर चुगा दो सफेद नहीं होने वाला हो, ऐसे जो दुष्ट है वो कभी अपनी दुष्टता त्यागता, हम भले कितना ज्ञान दे दें उसको, ठीक है, भगवान कितने भगवान आके बता दे उसको, तो भी वो मूर्ख भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, ठीक है, तो आगे वो कहे हैं कि दुष्ट का संग ना दे, और अगर जीव को विश्राम चाहिए तो क्या करना चाहिए, जब लगी भजतन राम कहो शोक धाम और कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, अगर शांति चाहिए तो, नहीं तो शांति मिलने वाली नहीं है, ठीक है, आगे कहे अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि नयनों से मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, ठीक है, जिसको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करने से भी उनके हृदय में नहीं आते, उनको मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, ठीक है, कहते हैं आगे शिव जी कहते हैं कि देखो जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबय शरण तकी मोही, कि भगवान भले चराचर का कोई द्रोही भी कौन हो क्यों ना हो, भगवान की शरण में आए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, ठीक है,
आगे क्या है, भगवान सगुण उपासक पर हित, कि जो मेरा सगुण उपासक है, सगुण मतलब मेरे स्वरूप की पूजा करता है, निराकार की नहीं। भगवान कह रहे हैं देखो आगे 48 नंबर, सगुण उपासक पर हित निरत नीत दृढ़ नियम, दृढ़ नियम के साथ मेरी पूजा करता है सगुण रूप की, मेरे को जल चढ़ा के पीता है, मेरे को भोग लगा के खाता है। ते नर प्राण समान मम, वो नर क्या मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। निराकार नहीं बोले भगवान, ठीक है। जिनके द्विज पद प्रेम, द्विज मतलब जो ब्राह्मण वास्तविक कर्म से ब्राह्मण है, उनके चरणों में जिसका प्रेम है और जो मेरे सगुण रूप की आराधना करता है, वो मुझे क्या है प्राणों से अधिक प्रिय। भगवान कह रहे फिर भी नहीं मानते हैं, भगवान किसने देखा, कहां जरूरत है मंदिर, मूर्ति पूजा क्यों करें। भगवान कह रहे करने के लिए भाई, ठीक है। सुनुलंके